गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, तो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं ये डिफिनीशन आपको बता दिए हैं। फिर आपको बताए थे कि आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। उसमें आपको बताया गया था कि आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है 6 तरह से, जिसमें फर्स्ट में आपको बताए थे चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड में आपको बताए थे पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड में आपको बताए थे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, आज हम लोग सीखेंगे मेटामेरिज्म, यानी कि फोर्थ में मेटामेरिज्म होता है। अब ये मेटामेरिज्म कब कहेंगे तो डिफिनीशन से देखते हैं। हेडिंग डाल दीजिए फोर्थ नंबर में मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कब कहेंगे, कहता है कि दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू ए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, सबसे पहले आप समझिए। यहाँ पे अलग से ये नहीं दिखाया गया कि मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, क्यों, क्योंकि डिफिनीशन में आपको बता दिए वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग मेटामर्स कहेंगे, वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब जब बात आइसोमर्स का आ गया तो इसका मतलब ये है कि मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा। कहीं भी आइसोमर्स का बात आएगा तो क्या हो जाएगा, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामर्स होने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, पॉलीवैलेंट होना चाहिए। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या हुआ कि जिसका कोवैलेंसी दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा मेटामर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप है सो आपका पॉलीवैलेंट होना चाहिए। और कैसे, कोई भी दो कंपाउंड दिया हुआ है तो कब कहेंगे कि एक दूसरे का मेटामर्स है, तो वहां पे कहता है कि अल्काइल ग्रुप का जो नेचर है दोनों तरफ डिफरेंट होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप का नेचर जो है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे मेटामर्स, और उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। ये सभी लोगों को क्लियर हुआ, फिर से रिपीट कर रहे हैं। मेटामेरिज्म होने के लिए आपको बताया गया कि सबसे पहला कि फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। मोलिकुलर फार्मूला तो आपका सेम ही होगा, यहाँ पे पहले ही बता दिए कि डिफिनीशन में लिखा दिया गया कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कि वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसका कहता है कि कोई भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जो है उसका नेचर डिफरेंट होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामर्स कहेंगे, और उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ में आता है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए सम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट में आप लिख लीजिए, या इसको क्या पढ़ेंगे आप ही लोग बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका ईथर है। ये देखिए इसमें दो कोवैलेंसी खाली, मतलब दो बॉन्ड फ्री है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीवैलेंट। सेकेंड में आप ही लोग बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं थायो ईथर, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, नोमेनक्लेचर में आपको बता दिया गया है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, थायो ईथर। यहां पर भी देखिए दो दो बॉन्ड फ्री है, तो इसको हम लोग पॉलीवैलेंट कहेंगे। थर्ड में आइए, थर्ड में आप ही लोग बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमीन है। एमीन में भी आपको बताए थे कि तीन तरह का होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। अगर हम आपसे यहाँ पे पूछें कि अच्छा ये एमीन तो है लेकिन किस तरह का एमीन है, तो आप क्या बोलिएगा, ये सेकेंडरी एमीन है। कौन सा एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है। कैसे पता चला, तो यहाँ पर दो दो बॉन्ड फ्री है तो इसको सेकेंडरी एमीन कहेंगे।
एक बॉन्ड अगर फ्री रहेगा तो प्राइमरी कहेंगे और तीन बॉन्ड फ्री रहेगा तो उसको टर्शियरी कहेंगे। फोर में देखिए, आप ही लोग बताइए ये क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी आपका एमीन है, बट इसको कैसा एमीन कहेंगे? तो यहाँ पे तीन तीन बॉन्ड फ्री है तो इसको हम लोग टर्शियरी एमीन कहेंगे। कैसा एमीन कहेंगे? टर्शियरी एमीन कहेंगे। ठीक उसी तरह से फाइव में देखें, फाइव में बताइए फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका इस्टर है, इसमें भी देखिए दो दो बॉन्ड फ्री है तो इसको हम लोग पॉलीवैलेंट कहेंगे। यहाँ पे तीन तीन बॉन्ड फ्री है तो इसको भी हम लोग पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट में देखिए, इसमें आप लोग बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो CONH2, याद कीजिए CONH2 को हम लोग एमाइड कहते हैं। एमाइड में भी आपको तीन तरह से बताए थे। सबसे पहले या तो आप क्लासिफिकेशन सब्स्टिट्यूटेड और अनसब्स्टिट्यूटेड के बेसिस पे डिसाइड करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, और अगर यहाँ पर NH2 रहता तो अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड। लेकिन अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिसाइड करेंगे तब यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमाइड बोलेंगे। अगर यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड दिखा देंगे तो वो टर्शियरी एमाइड कहलाएगा। तो ये सब चीज आपको बता दी है। यहाँ पर भी देखिए ये दो दो बॉन्ड फ्री है तो इसको भी हम लोग पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। जैसे सेवन में देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, दो दो बॉन्ड फ्री है तो इसको हम लोग पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो फिर आपका आ गया एमाइड। अब ये किस तरह का एमाइड है तो अभी यहाँ पे बताए थे कि अगर ये हाइड्रोजन को हटा कर करके एक बॉन्ड यहाँ पे दे देंगे तो कैसा एमाइड कहलाएगा? टर्शियरी एमाइड कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका ये हो गया टर्शियरी एमाइड। और देखिए यहाँ पर देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया एनहाइड्राइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। यहाँ पर भी दो दो बॉन्ड फ्री है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। टेन में देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम लोग सल्फोनेट इस्टर कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसको सल्फोनेट इस्टर कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए दो दो बॉन्ड फ्री है तो इसको हम लोग पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये अब समझ में आना चाहिए कि मेटामर्स होने के लिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप का नेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो पहले यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, इसके आगे फिर बताते हैं। यहां तक सभी लोग कर लिए? चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से डिसाइड करेंगे कि ये मेटामर्स है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में एक ये कंपाउंड ले लिए और ये एक दूसरा कंपाउंड लिए, इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकेंड कह रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए कि फर्स्ट और सेकेंड में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहला चीज आइसोमर्स अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 आपका टोटल कार्बन कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कितना है? 3, +2 5, +2 7 और +3 10, यानी कि टोटल कार्बन है सो आपका 4 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया C4H10O। चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे टोटल कार्बन आपका 4 हो गया, हाइड्रोजन देखिए 3 और 2 5 और 2 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है सो आपका 10 है और एक ऑक्सीजन है। तो दोनों का क्या हुआ? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया तो दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या है, किस तरह का आइसोमर्स का रिलेशन है। तो अभी जो आपको डिफिनीशन बताए हैं कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उसका नेचर है सो डिफरेंट होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उसका नेचर है सो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अब यहां पर देखें लेफ्ट साइड कितना कार्बन है? 2 कार्बन, और इसमें लेफ्ट साइड कितना कार्बन है? 1 कार्बन। तो यहां पे क्या हुआ कि इसके दोनों तरफ
अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो। यहां पर देखिए इसके राइट साइड आपका कितना कार्बन है, 2 कार्बन, और इसके राइट साइड कितना कार्बन है, 3 कार्बन। तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर अल्काइल ग्रुप का नेचर है सो डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे का मेटामर्स कहलाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में कंफ्यूजन होता है कि सर आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट होना चाहिए, तो सर यहां पर तो दोनों इथाइल है। भाई इसमें कंपेयर हो रहा है क्या? नहीं, आइसोमर्स पहले भी बता चुके हैं, जहां पर आइसोमर्स का बात होगा वहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड में, न कि इसमें हम बात कर रहे हैं। कोई एक कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये आइसोमर्स है या नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? आइसोमर्स होने के लिए एक दूसरा कंपाउंड होना जरूरी है, तभी आप कह सकते हैं कि आइसोमर्स है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह का है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लेफ्ट साइड अगर हम लोग देखते हैं तो 2 कार्बन अटैच है, और यहां पर लेफ्ट साइड है सो 1 कार्बन अटैच्ड है, यानी कि यहां पर है सो आपका इथाइल हो गया और यहां पे मिथाइल हो गया, तो अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है। यहां पर देखिए राइट साइड 2 कार्बन है यानी कि इथाइल अटैच्ड है, और यहां पे 3 कार्बन अटैच्ड है यानी कि नॉर्मल प्रोपाइल अटैच्ड है। तो अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। इधर आपका इथाइल है, यहां पे मिथाइल है, यहां पर राइट साइड इथाइल है और यहां पे नॉर्मल प्रोपाइल है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उसका नेचर डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे का मेटामर्स है। ध्यान रखिएगा यहां पे आपको बार बार बोला जा रहा है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट होना चाहिए। बहुत सारे बुक में ध्यान दीजिएगा हम क्या बात बोल रहे हैं, बहुत सारे बुक में वहां पे लिख देता है कि फंक्शनल ग्रुप के किसी एक साइड भी अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो उसको मेटामर्स कहेंगे, ये 100% गलत है। तो आपके दिमाग में जाएगा कि सर अगर हम किसी एक तरफ भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक है सो दूसरे तरफ भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम किए क्या, एक मिथाइल को उठाकर करके राइट साइड कर दिए तो इधर है सो 1 कार्बन बच गया और इधर है सो 3 कार्बन हो गया, तो ऑटोमेटिक है सो दोनों तरफ डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक तरफ चेंज करेंगे तो दोनों तरफ चेंज हो जाएगा। जैसे इसी एग्जाम्पल में एक और स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं, लीजिए, और इसको आपको बोला जा रहा है थर्ड। अब आप ही से सवाल हम कर दें कि अच्छा बताइए कि सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, तब तो आप बोल देंगे आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से कि सेकेंड और थर्ड है सर मेटामर्स है, तो गलत हो जाएगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, आप अपना लॉजिक दीजिएगा कि सर यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल है, यहां पे क्या है, आइसोप्रोपाइल है, तो अल्काइल ग्रुप का नेचर तो डिफरेंट हो रहा है ना, तो इसको तो मेटामर्स कहेंगे ना। गलत, आपको बार बार बोल रहे हैं दोनों तरफ यहां पे क्या है, मिथाइल है, यहां पे क्या है, मिथाइल है, क्या लेफ्ट साइड अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो सेकेंड और थर्ड को कभी भी मेटामर्स नहीं कहेंगे। हाँ, आप जो है फर्स्ट और थर्ड को मेटामर्स कह सकते हैं, क्यों? अब यहां पर देखिए लेफ्ट साइड आपका 2 कार्बन का चेन है और यहां पे लेफ्ट साइड है सो कितने कार्बन का चेन है, 1 कार्बन का चेन है। यहां पर लेफ्ट राइट साइड है सो 2 कार्बन का चेन है और यहां पे राइट साइड है सो 3 कार्बन का चेन है। तो अब यहां पे क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ है सो अल्काइल ग्रुप का नेचर है सो चेंज हो गया, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का मेटामर्स है, लेकिन सेकेंड और थर्ड एक दूसरे का मेटामर्स नहीं है। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि फर्स्ट एंड थर्ड आर मेटामर्स। फर्स्ट और थर्ड तो मेटामर्स है, लेकिन सेकेंड और थर्ड है सो एक दूसरे का मेटामर्स नहीं है। तो ये बात अगर हम बोलते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में ये क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए
क्या कि सर ठीक है सेकेंड और थर्ड एक दूसरे का मेटामर्स नहीं है तो क्या है? तो अब आप बताइए, आप अभी आइसोमेरिज्म में क्या क्या पढ़े हैं? आइसोमेरिज्म में आप पढ़े हैं चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पढ़े हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म और तीसरा पढ़े हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब आप बताइए कि ये तीनों में क्या हो सकता है? तो सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म में आपको बताए थे कि कार्बन का चेन है सो डिफर करता है। यहां पर देखिए तो कितने कार्बन का चेन है, यहां पर है सो तीन कार्बन का चेन है और यहां पर भी तीन कार्बन का चेन है, यानी कि चेन आइसोमर्स तो नहीं हुआ। तब क्या होगा, पोजीशन आइसोमर्स चेक कीजिए। तो यहां पर देखिए नंबरिंग जब नोमेनक्लेचर कीजिएगा तो नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3 और यहां पे नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3, यानी कि यहां पे फंक्शनल ग्रुप जो है पहला कार्बन के साथ है और यहां पे फंक्शनल ग्रुप है सो दूसरा कार्बन के साथ है। तो क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर रहा है। यहां पे सेकंड में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन एक नंबर पे है जबकि सेकेंड थर्ड में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है सो दो नंबर पे है। तो सेकेंड और थर्ड अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन है तो आप क्या बताएंगे, सेकेंड और थर्ड एक दूसरे का पोजीशनल आइसोमेरिज्म है। मेरे ख्याल से ये सब लोग को क्लियर हो गया होगा, तो कहीं भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मेटामर्स होने के लिए फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। यहां तक कंप्लीट कीजिए और एग्जांपल देखते हैं। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल का कमी नहीं, एकदम अस्थिर से ध्यान से सीखना है। जैसे एक एग्जांपल हम ये ले लिए और दूसरा एग्जांपल ये ले लिए, इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकंड कह रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए दोनों में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहला चीज आप ये देख लो कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। तो यहां पर आप चेक करेंगे इसमें कितना कार्बन है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 टोटल कार्बन है सो 4 और हाइड्रोजन कितना है, तो 3 और 2 5 1 6 और 2 8 और 3 11, यहां पर 11 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। इसमें भी चेक कर लीजिए, तो यहां पे 1 2 3 4 यहां पे टोटल कार्बन आपका 4 हाइड्रोजन 3 अब प्लस 1 4 अब प्लस 2 6 अब प्लस 2 8 और प्लस 3 11, यहां पर भी हाइड्रोजन 11 है और 1 नाइट्रोजन है, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में जो रिलेशन होगा एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोमर्स कहलाएगा। अब ये देखना है कि किस तरह का आइसोमर्स कहलाएगा, तो यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप, अच्छा आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है तो आप क्या बोलेंगे, एमीन है। कैसा एमीन है, तो सेकेंडरी एमीन है। अब यहां पर से एमीन के मतलब नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड 2 कार्बन है और यहां पे नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड 1 कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन के राइट साइड 2 कार्बन है और यहां पे नाइट्रोजन के राइट साइड 3 कार्बन है। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफर कर रहा है। यहां पे 2 कार्बन यानी कि इथाइल है और यहां पे मिथाइल है, और यहां पर इथाइल है और नॉर्मल प्रोपाइल है, यानी कि दोनों तरफ है सो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामर्स कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर मेटामर्स। सबसे पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि मेटामर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जब तक आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट कैसे आप लिखिएगा। तो यहां पर आप एक नोट करके लिख लीजिए कि मेटामर्स आर पॉसिबल ओनली इन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मेटामर्स सिर्फ और सिर्फ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में ही पॉसिबल है। यहां तक सब लोग को क्लियर हो। एक और नोट लिख लीजिए, नोट में क्या है, कह रहा है कि अगर मेटामर्स का पेयर है, जब भी हम लोग आइसोमर्स का बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि पेयर में रहेगा, तो कह रहा है कि अगर मेटामर्स का पेयर है तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जैसे यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो एमीन है, यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमीन है। तब फंक्शनल ग्रुप का नेचर है सो सेम होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड का नेचर है सो सेम होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का भी नेचर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
एक तीसरा नोट में और आप लिख लीजिए कि कभी भी जब मेटामर्स का बात आता है तो वहां पे पोजिशनल आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म को आपको नेग्लेक्ट करके चलना है। यहां पे क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ मेटामेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशन आइसोमेरिज्म आर नेग्लेक्टेड। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसको आगे फिर हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, हो सकता है कभी भी आप देखें ना दो कंपाउंड को तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेटामर्स भी शो कर रहा है, नहीं 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 ये चेन आइसोमर्स शो कर रहा है। तो इस तरह का कभी भी कंफ्यूजन हो तो आपको प्रायोरिटी किसको देना है, मेटामर्स को देना है। कह रहा है कि अगर मेटामर्स हो रहा है तो वहां पर चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। इसको नोट कीजिए सबसे पहले। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड। यहां पर फिर देखिए दो कंपाउंड ले लिए, ये आपको समझ में आ गया 1 2 3 4 चार कार्बन है, यहां भी चार कार्बन है, एक सल्फर है, हाइड्रोजन सबका कोवैलेंसी फुल फिल है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकंड कह रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, तो इतना तो सब लोग को समझ में आ गया कि फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है। अब कैसा आइसोमर है तो यहां पर देखिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप क्या है तो इसका नाम क्या बताए, थायो ईथर। क्या पढ़ेंगे, थायो ईथर। अब यहां पर देखिए सल्फर के लेफ्ट साइड दो कार्बन है, यहां पर सल्फर के लेफ्ट साइड एक कार्बन है, या कह सकते हैं कि यहां पे सल्फर के लेफ्ट साइड इथाइल है, यहां पे सल्फर के लेफ्ट साइड मिथाइल है, तो नेचर चेंज हो गया। यहां पर सल्फर के राइट साइड इथाइल है यानी कि दो कार्बन है, और यहां पे सल्फर के राइट साइड है सो तीन कार्बन है, या कह सकते हैं नॉर्मल प्रोपाइल है, तो यहां पर भी क्या हो गया, नेचर चेंज हो गया। अभी इसके पहले के मतलब फर्स्ट एग्जांपल में ही आपको हम बता चुके हैं कि कहीं कहीं कोई टीचर ऐसा बता देते हैं कि देखो जी किसी एक तरफ भी बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं बुक में लिखा हुआ है, और उसी चीज को टीचर भी बोल देते हैं कि किसी एक तरफ भी आपका अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज रहेगा तो उसको मेटामर्स कहेंगे। लेकिन हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, दोनों तरफ है सो क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप का नेचर है सो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का नेचर है सो डिफर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड आर मेटामर्स। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर मेटामर्स, दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, मेटामर्स हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक कंपाउंड ये ले लिए और एक दूसरा कंपाउंड ये ले लिए, इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकेंड कह रहे हैं। आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब मेटामर्स है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है सो आपका क्या हो गया, इस्टर हो गया। नहीं, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, इस्टर। अब इस्टर के देखिए लेफ्ट साइड इस कार्बन को काउंटिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो इस कार्बन के मतलब फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड दो कार्बन है यानी कि इथाइल है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड है सो एक कार्बन है यानी कि मिथाइल है, तो डिफरेंट हो गया। ठीक उसी तरह से फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड यहाँ पर एक कार्बन है मिथाइल है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड दो कार्बन है यानी कि इथाइल है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का जो नेचर है वो डिफरेंट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे का क्या कहलाएगा, मेटामर्स कहलाएगा। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर मेटामर्स। बोलिए कोई दिक्कत, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ है सो अल्काइल ग्रुप का नेचर अगर डिफरेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामर्स कहेंगे। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। यहाँ पे दो कंपाउंड ले लिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनेट इस्टर। क्या बोलेंगे, सल्फोनेट इस्टर या थायोनेट इस्टर, दोनों भी आप बता सकते हैं।
तो यहाँ पर अब देखिए, इसको फर्स्ट कहा जा रहा है और इसको सेकंड कहा जा रहा है, और आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए फर्स्ट और सेकंड में मेटामर्स का रिलेशन है या नहीं है, या दोनों में क्या रिलेशन है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप आपका ये हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप आपका ये हो गया, ठीक है। और जब फंक्शनल ग्रुप ये हो गया तो इसके लेफ्ट साइड है सो दो कार्बन है और इसके लेफ्ट साइड एक कार्बन है, इसके राइट साइड एक कार्बन है और इसके राइट साइड दो कार्बन है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का क्या हो जाएगा, मेटामर्स हो जाएगा। बात सबको समझ में आया। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड कितना कार्बन, दो कार्बन यानी कि इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे सल्फोनेट यानी कि फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड एक कार्बन यानी कि मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे राइट साइड एक कार्बन मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे राइट साइड दो कार्बन यानी कि इथाइल लगा हुआ है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड में जो रिलेशन है एक दूसरे का मेटामर्स हो गया। क्यों मेटामर्स हुआ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का जो नेचर है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर मेटामर्स। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अब एक कंपाउंड ये ले लिए और एक कंपाउंड ये ले लिए, आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसको हम फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकेंड कह रहे हैं, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमाइड है। कैसा एमाइड है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी एमाइड कहेंगे। कैसा एमाइड कहेंगे, सेकेंडरी एमाइड। तो यहां पर है सो फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो गया, एमाइड हो गया। अब आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप क्या देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है कि नहीं। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को काउंटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड है सो मिथाइल है, यहाँ पे लेफ्ट साइड इथाइल है, यहाँ पे राइट साइड आपका इथाइल है, यहाँ पे राइट साइड मिथाइल है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामर्स कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पर एक कार्बन यानी कि मिथाइल है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड दो कार्बन यानी कि इथाइल है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड दो कार्बन यानी कि इथाइल है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड एक कार्बन यानी कि मिथाइल है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का मेटामर्स हो गया। क्यों अब मेटामर्स बोले, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड है उसका नेचर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसको कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। यहां पर एक कंपाउंड ये ले लिए, दूसरे कंपाउंड ये ले लिए, अब इसको फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकेंड कह रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये एक दूसरे का मेटामर्स है कि नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे तुरंत बोल देंगे नहीं है, पूछेंगे क्यों नहीं है, तो सर आप ही तो बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप में जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है उसका नेचर डिफरेंट होता है, यहाँ पर क्या है कि मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यानी कि अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट नहीं है, इसीलिए इसको मेटामर्स नहीं कहेंगे, तो फिर आप गलत हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ट्राइवेलेंट एटम है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ट्राइवेलेंट एटम है तो कम से कम दो अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट होना चाहिए। तीनों है तो अच्छी बात है, अगर तीनों नहीं है, कम से कम दो अल्काइल ग्रुप का नेचर है सो डिफरेंट है, तब हम लोग उसको मेटामर्स कहेंगे। यहां पर देखिए लेफ्ट साइड है सो आपका दो कार्बन है यानी कि इथाइल लगा हुआ है, यहां पर मिथाइल लगा हुआ है, डिफरेंट हो गया। यहां पर है सो राइट साइड इथाइल है और यहां पे राइट साइड नॉर्मल प्रोपाइल है, तब यहां पर फिर डिफरेंट हो गया, तब इसको हम लोग मेटामर्स कहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि तीसरा आपका डिफरेंट होना ही चाहिए, यानी कि ध्यान रखिएगा कि ट्राइवेलेंट अगर एटम है, ध्यान से फिर से समझ लीजिए, अगर कोई ट्राइवेलेंट एटम है तो वहां पर कम से कम दो अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है तो मेटामर्स कहलाएगा। अगर तीसरा जो अल्काइल ग्रुप्स है वो डिफरेंट नहीं भी है तब भी है सो मेटामर्स कहलाएगा। नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि हिंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर मेटामर्स।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें बताइए एक कंपाउंड ये ले लिए, एक कंपाउंड ये ले लिए, इसको फर्स्ट कह रहे हैं, इसको सेकंड कह रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे का मेटामर्स है या नहीं है। तो अब यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, सल्फोनेट इस्टर। तो सल्फोनेट जब इस्टर आ गया तो यहां पर देख रहे हैं क्या कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लेफ्ट साइड फिनाइल है, जबकि इसके लेफ्ट साइड है सो आपका क्या है इथाइल है, ध्यान से समझ लीजिए। इसके आपका राइट साइड यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है वो इथाइल है, और यहां पे ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डेड है वो फिनाइल है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का नेचर है सो डिफरेंट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का मेटामर्स है, फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का क्या है मेटामर्स है। इसको भी कंप्लीट कर लीजिए सभी लोग, यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9। यहां पर एक कंपाउंड ये ले लिए और एक कंपाउंड ए ले लिए, इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकेंड कह रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए कि फर्स्ट और सेकेंड में रिलेशन जो है मेटामर्स का है या नहीं है। तो 99% स्टूडेंट है सो बताते हैं कि नहीं सर ये दोनों में रिलेशन मेटामर्स का नहीं है। तो पूछेंगे कि क्या रिलेशन है, तो बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स है। क्यों ऐसा वो बोलते हैं तो वहां पर देखिए समझिए बात को। अब वहां पे जब नंबरिंग आप कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 इसका नाम क्या हो जाएगा 3 pentanone, और यहाँ पे क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 इसका नाम हो जाएगा 2 pentanone, यानी कि कीटोन जो है आपका दूसरा पोजीशन पे, यहाँ पे तीसरा पोजीशन पे, इसलिए इसको मेटामर्स नहीं कहेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स कहेंगे, जो कि गलत है। आपको नोट करके लिखा दिए कि कहीं भी इस तरह का बात आती है कि अगर आपको लग रहा है कि मेटामर्स भी है पोजिशनल आइसोमर्स भी है या मेटामर्स है या चेन आइसोमेरिज्म है, तब आप वहां पे चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म को नेग्लेक्ट कीजिए, वहां पे जब भी होगा तो मेटामर्स भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मेटामर्स है तो पोजिशन भी अगर आपको दिख रहा है तो पोजिशन को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत क्या हुआ, इसमें दिक्कत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है जो बिना कार्बन का हो। अभी तक हम लोग जितने भी फंक्शनल ग्रुप देखे उसमें क्या था, वहां पे फंक्शनल ग्रुप कार्बन नहीं होता था, उसको सेपरेट कोई दूसरा एटम करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कीटोन होने के चलते यहाँ पे कार्बन ही आ गया फंक्शनल ग्रुप। लेकिन आपको हम क्या बता रहे हैं कि हाँ जी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसके लेफ्ट साइड देखिएगा तो 2 कार्बन यानी कि इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है सो 1 कार्बन यानी कि मिथाइल है, यानी कि यहाँ पे इथाइल और मिथाइल 2 डिफरेंट नेचर का अल्काइल ग्रुप हो गया। राइट साइड देखिए 2 कार्बन इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे 3 कार्बन यानी कि नॉर्मल प्रोपाइल है, तो यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड है सो एक दूसरे का मेटामर्स कहलाएगा। और बहुत सारे टीचर ना इसको एग्जाम्पल ही नहीं देते, क्यों? क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है। अब सवाल है कि जब कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप कहां देखेंगे, बुक में देखेंगे। तो बुक में भी क्या करता है कि बोलता है कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसा करते हैं आप अगर इसको बोल रहे हो पोजिशनल आइसोमर्स तो चलिए आपका भी बात मान लेते हैं, अगर आपको लगता है कि ये मेटामर्स है तो आपका भी बात मान लेते हैं। यानी कि बहुत सारे बुक में ऐसा लिख दिया है, बुक का हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर्स भी कहलाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड एक दूसरे का मेटामर्स भी कहलाएगा। गलत है, फर्स्ट और सेकेंड जब भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेटामर्स होगा। इसीलिए आपको पहले ही हम नोट करके लिखा दिए कि जब भी मेटामर्स का बात होगा तो वहां पे पोजिशनल आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स को हम लोग निग्लेक्ट करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल इसी का इस तरह से लिख देते हैं और इसको बोला जा रहा है थर्ड। आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है तो फिर यहां पे हम कहेंगे कि फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का मेटामर्स है। क्यों? इसके लेफ्ट साइड है सो इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे राइट साइड आपका क्या हो गया इथाइल है, यहाँ पे है सो आइसोप्रोपाइल है, तो फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का मेटामर्स कहलाएगा। लेकिन लेकिन
अगर आपको सेकेंड और थर्ड में बात किया जाए, सेकेंड और थर्ड में बात किया जाए कि सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, तब आप ही लोग बताइए सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन कहलाएगा। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 और यहां पे आ गया 1 2 3 4, यानी कि इसमें है सो 5 कार्बन का चेन है और इसमें है सो 4 कार्बन का चेन है। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर कहेंगे। यानी कि सेकेंड और थर्ड में जो रिलेशन है वो क्या है, चेन आइसोमर्स का है। तो किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होना चाहिए। नोट आपको पहले लिखा दिए गया है कि अगर मेटामर्स का बात है तो वहां पे पोजीशन आइसोमर्स हो या चेन आइसोमर्स हो उसको आप निग्लेक्ट कीजिए। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल का कमी नहीं है, मेरा प्रयास ये रहता है इतना सारा एग्जांपल देने का कि आपको कहीं से भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मेटामर्स को हम 2 एग्जांपल देकर के क्लास खत्म कर सकते थे, लेकिन इतना सारा एग्जांपल आपको इसलिए दिया जाता है कि आपके नजर से इतना सारा जब एग्जांपल गुजरेगा तो किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन भविष्य में नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10 में देखिए, 2 कंपाउंड ले लिए, इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकंड कह रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहला कि अब इतना देखते देखते आपको समझ में आ गया है कि मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। अब रह गया कि जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो ये दोनों एक दूसरे का मेटामर्स है या नहीं है। तो यहाँ पे आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से देखिए कि अगर आप लेफ्ट साइड से जाते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका आ गया CH और इसके बाद एक इथाइल है, CH2 और CH3 इथाइल है, जबकि यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ मिथाइल है, तो डिफरेंट हो गया। इधर से जब जाते हैं तो CH2 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 चले जाते हैं, जबकि यहाँ पे आ जाते हैं तो CH और एक मिथाइल है, फिर CH2 CH2 है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा बताइए कि ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ईथर, ईथर के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का नेचर सेम है या डिफरेंट है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर दोनों तरफ है सो डिफरेंट है। तो दोनों तरफ जब डिफरेंट है तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, मेटामर्स कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसको पहले भी बता चुके हैं, सल्फोनेट ईस्टर पढ़ते हैं या थायोनेट ईस्टर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक कंपाउंड ये लिए, एक कंपाउंड ये ले लिए, इसको फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकंड कह रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा बताइए दोनों में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहला दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है सो उसका नेचर डिफर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन मिथाइल है और यहाँ पे 2 कार्बन इथाइल है, फंक्शनल ग्रुप आपका ये है। यहाँ पे राइट साइड आपका 2 कार्बन यानी कि इथाइल है और यहाँ पे 1 कार्बन यानी कि मिथाइल है। तो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप के देखिए इधर लेफ्ट साइड आपका एक मिथाइल और इथाइल है और यहाँ पे राइट साइड इथाइल और मिथाइल है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफर कर गया। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामर्स कहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड भी क्या कहलाएगा, मेटामर्स कहलाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12। एक कंपाउंड ये ले लिए और दूसरे कंपाउंड ये ले लिए, इसको फर्स्ट कह रहे हैं इसको सेकेंड कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एक दूसरे का मेटामर्स है या नहीं है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप आपको फिर क्या हो गया, सल्फोनेट ईस्टर। इसके लेफ्ट साइड है सो फिनाइल लगा हुआ है और यहाँ पर है सो लेफ्ट साइड क्या लगा हुआ है, एक दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, नहीं? ठीक उसी तरह से राइट साइड यहाँ पर देखिए क्या है, इथाइल है, यहाँ पे राइट साइड क्या है, मिथाइल है। तो अल्का जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप का नेचर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामर्स कहेंगे। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर मेटामर्स। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 13। एक कंपाउंड ये ले लिए, एक कंपाउंड ये ले लिए,
इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप क्या है तो आप क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए दोनों में रिलेशन जो है मेटामर्स का है या नहीं है, तो यहां पर देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया एनहाइड्राइड। इसके लेफ्ट साइड कितना कार्बन? दो कार्बन यानी कि इथाइल। इसके लेफ्ट साइड कितना कार्बन? एक कार्बन यानी कि इथाइल। तो अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या हुआ? लेफ्ट साइड डिफरेंट हो गया। राइट साइड देखते हैं, यहां पर दो कार्बन और यहां पर तीन कार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर है सो इथाइल है और यहां पे नॉर्मल प्रोपाइल है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उसका नेचर डिफर कर रहा है। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का क्या है? मेटामर्स है। तो इसको अगर हम फर्स्ट कहें और इसको सेकेंड कहें तो फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का क्या कहलाएगा? मेटामर्स कहलाएगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक कंप्लीट हो गया सभी लोगों को? चलिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। एक कंपाउंड ये लिख ली और एक कंपाउंड ये लिख ली, इसको फर्स्ट कह रहे और इसको सेकेंड कह रहे। बताइए कि फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का मेटामर्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो यहाँ पर आपको फिर क्या देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है या नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया सल्फोनेट एस्टर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्या है, CH2 और एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर फिर क्या हो गया कि फिनाइल ग्रुप बीच में आ गया CH3, तो ये दोनों है सो डिफरेंट ग्रुप हो गया। राइट साइड देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, फिनाइल के साथ दो मिथाइल है, यहाँ पर भी फिनाइल के साथ है सो दो मिथाइल है, ठीक है। तो ये मेटामर्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये एक दूसरे का मेटामर्स कहलाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इस तरह से लिखने का मतलब क्या हुआ, ये सॉलिड बेज स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सॉलिड बेज का मतलब क्या बताए थे? सॉलिड बेज का मतलब बतलाए थे कि ये जो है जिस प्लेन में लिखा हुआ है उस प्लेन के बाहर दोनों निकला हुआ है मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पर जो है डैश, यहाँ पे डैश मतलब ब्रोकन बेज लिखा हुआ है। तो ब्रोकन बेज में क्या बताए थे कि जिस प्लेन में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उस प्लेन के वो बिलो है, और यहाँ पे ये सॉलिड बेज है तो उस प्लेन के एभव है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों देखिएगा तो फंक्शनल ग्रुप आपका सेम ही है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नेचर जो है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ओरिएंटेशन अलग अलग हो गया। यहाँ पर मिथाइल है सो दोनों बोर्ड के बाहर है एभव दी प्लेन, और यहाँ पर क्या है कि ये एभव दी प्लेन है और ये बिलो दी प्लेन है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि ओरिएंटेशन भी अगर डिफरेंट होता है तो मेटामर्स कहलाएगा, एक बात। दूसरी बात, एक चीज और यहाँ पे देखिए कि अगर आप नंबरिंग कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 3 और 5 पे है सो मिथाइल लगा हुआ है, 3, 5 डाइमिथाइल, जबकि यहाँ पे आइएगा तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 3, 4 डाइमिथाइल है, यहाँ पर 3, 5 डाइमिथाइल है और यहाँ पे 3 और 4 डाइमिथाइल है। तो ऐसे भी क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप का नेचर है सो डिफर हो गया। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड है सो एक दूसरे का मेटामर्स है। ये एग्जाम्पल बताने का मेरा पीछे मकसद ये था कि अगर यहाँ पर ये जो सॉलिड बेज है ना, इसको भी हम यहाँ पे कर देते और यहाँ पर ये ब्रोकन बेज रहता और आपसे पूछा जाता कि ये मेटामर्स है या नहीं है, तब वो मेटामर्स कहलाता। अगर ओरिएंटेशन भी डिफर हो रहा है तो उस दूसरे का क्या कहलाएगा? मेटामर्स कहलाएगा। तो आज भर इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।